देश एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या को देख चुका है, उस दर्द को आज भी महसूस करता है, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री की जान पर अगर खतरा हो तो उसे मजाक का विषय बना दिया जाता है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से रोहन गुप्ता साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी हर मौके पर, हर रैली में, चाहे कोई राजनीतिक इवेंट हो, चाहे किसी भी तरह का मंच हो, वो कभी भी, मैं इस बहस में हूं, अपने, बिल्कुल, अपने दोनों बड़े नेताओं और साथ साथ अपने पापा या अपनी दादी की याद दिलाना लोगों को नहीं भूलते। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की खुलासा होता है, साजिश का खुलासा होता है, तो कहां है राहुल गांधी? और जब संजय निरुपम इस तरह के बयान दे रहे हैं जहां उन्हें संदेह नजर आता है, तो फिर राहुल गांधी आगे आके उस पर स्टैंड क्यों नहीं लेते? देखिए, पहली बात जो मैंने शुरुआत में मेरी बात में कहा कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री, अगर उनकी सुरक्षा पे कोई भी खतरा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और सिर्फ एक एक खतरा नहीं बताना चाहिए, जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार है सामने लाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो मुद्दा है भीमा गोरेगांव का, जो मुद्दा शुरू हुआ था, दो लोग जिम्मेदार थे, मिलिंद एकबोटे और संभाजी। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि अगर आपकी जो जांच है वो निष्पक्ष है तो ये दो नाम के बारे में क्यों कोई भी बात आगे बात नहीं आई है? अगर निष्पक्ष जांच होती है तो भीमा गोरेगांव के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के जो भी उनको हमले की साजिश है, उनके ऊपर जो भी साजिश है, उसके भी जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मैं दो तारों को इसलिए जोड़ रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर इनकी जांच निष्पक्ष होती तो जांच के रिजल्ट आने के पहले फडणवीस जी ये नहीं बोलते कि संभाजी लोकप्रियता पाने के लिए मोदी ऐसा करते हैं। उनका साथ सिर्फ संजय निरुपम ने नहीं, शिवानंद तिवारी साहब भी उनका साथ देते हैं और ऐसा ही कुछ जिक्र करते हैं। आपको याद होगा गुजरात इलेक्शन के वक्त पे मणिशंकर अय्यर को राहुल गांधी ने एक्शन लेकर बाहर निकाल दिया था कि इससे पार्टी की सोच पर असर पड़ता है और गलत मैसेज जाता है। आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई ऐसा एक्शन लेते दिखेंगे? देखिए, एक बात स्पष्ट है, पिछले 17-18 साल में देश की राजनीति में यदि किसी शिखर के या बड़े नेता को घृणा का पात्र बनाया गया है, एक बड़ी निकृष्ट शब्दावली का निशाना बनाया गया है, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और घृणा की राजनीति कब हिंसा की राजनीति में परिवर्तित हो जाती है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जब आप इतनी घृणा किसी के प्रति उगलेंगे कि चुनाव के दौरान आप ही की पार्टी का एक प्रत्याशी और नेता उसकी बोटी बोटी करने की ऐलान करेगा, बिल्कुल, आप ही का शीर्ष नेता उसको मौत का सौदागर बोलेगा, उस पर खून की दलाली का आरोप लगाएगा, तो इस तरह की हिंसक भाषा कब वास्तविक हिंसा में बदल जाए, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। और ऐसा हुआ है पूर्व में, आज से 10 साल पहले एक टोली आई थी इशरत जहां वाली, जिनके निशाने पर नरेंद्र मोदी थे गुजरात में, और जब उन पर कार्रवाई हुई तो सब ने इशरत, कोई मामा बन गया उसका, कोई चाचा बन गया, लश्कर के घोषणा के बावजूद उनको क्लीन चिट देने वाले बहुत थे इस देश में। तो कहीं ना कहीं इस हिंसा की शब्दावली को हिंसा की राजनीति में बदलने का एक जो मानसिकता बन रही है देश भर में, ये खतरनाक है। सत्ता विरोधी सोच को सियासत तक पहुंचाने के लिए सारी हदें पार कर दो और उसके बाद साइड में खड़े होकर कह दो कि हमें इससे कोई मतलब नहीं। राजनीति का सवाल है। अभी आपके चैनल पे एक श्रीमान जी ने इसमें चर्च को भी घसीट लिया और उसको भी घृणित बना मेरे दिया। सवाल का जवाब दीजिए, आप चर्च की बात बाद में कीजिएगा, उसके पे भी आ जाऊंगी मैं। आपको मिलेगा, आप सुनिए पहले। आप लोग, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद के साथ क्या हुआ था, उसमें कौन मुलविस था? अभी देहरादून में एक मुसलमान लड़के को आपका गैंग घेर रहा था। मैं बड़े निशानों की, मैं ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को निशाना बनाने की बात कर रहा हूं जो सार्वजनिक जीवन में बड़ा काम कर रहे हैं। स्वामी लक्ष्मणानंद कंधमाल में एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे। महात्मा गांधी से बड़ा कौन हो सकता है? पहले सुनिए, पहले सबसे पहली चीज है, जब आपको डर लगता है, मुख्य मुद्दा कुछ और है, डेमोक्रेटिक संगठन है, सीपीआई से, सीपीएम से, तो आप हमें नक्सली घोषित करने की कोशिश करते हैं। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यही कर रहे हैं।
हम चाहे वो शहरी नक्सलवादी के रूप में हो या फिर जंगलों के रूप में नक्सलवाद के रूप में हो, आप लोग यही कर रहे हैं। और आप में और कांग्रेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप लोग ने अकेडमिया 2014 के 2014 के चुनाव से पहले आप पूरे देश में ये कहते फिर रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, देश को आग लग जाएगी अगर इस प्रधानमंत्री को चुन लिया आपने। तो जो जिम्मेदार आज क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप खुद हिंसा पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके हिसाब से कोई काम नहीं होता है तब आप हिंसा का सहारा लेते हो, तो किसी के मौत की साजिश रचते हो, तो देश विरोधी घटनाएं करोगे। तो अब आपका जो असली चेहरा है ना वो देश को पता चल गया। आपके हिसाब से महात्मा गांधी जैसे कांग्रेस की थी, देखिए वो तो अलग इशू है। हम महात्मा गांधी कहते हैं वो अलग इशू है। आज फोकस महात्मा गांधी के हत्या पे क्यों आज फोकस है? तब चर्च जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन में था। तब चर्च जो है और यहाँ के ईसाई समुदाय जो है वो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ नहीं थे, यह भी एक सच है। आपका टीके ओमान की किताब पढ़ लीजिए, ओमान साहब जेएनयू के प्रोफेसर हैं और उन्होंने ही इसके बारे में पूरे दरमियान लिखा है। कल आवर के संगठन के हेडक्वार्टर में प्रणब मुखर्जी ने नारा दिया था शैला रशीद जब इस तरह के ट्वीट करती है तो फिर उसका समर्थन क्यों? आपको कोई नक्सली घोषित नहीं करेगा तो आप ऐसी चीजों का समर्थन क्यों करते हैं? हम नहीं करते। अगर कोई पर्टिकुलर नाम लेकर के मजाक बनाया गया है गलत है और ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये लेकिन किंतु परंतु छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल भाई, ये अगर मगर छोड़ दीजिए उसके बाद आप अपनी बात का वजन खुद कम करते हैं जब आप अगर मगर करते हैं। ये वही कहेंगे जो भारत बर्बादी के नारे लगा रही थी 2 साल पहले। बिल्कुल नहीं, भूल गए आप। कुमार साहब में कोई रोल नहीं है, जेएनयू में खड़े थे, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगा रहे थे ये लोग, भूल गए आप। बिल्कुल नहीं, कन्हैया टुकड़े कहेंगे ये कहां से आप लोग लाते हैं? उन नारों में कोई हाथ नहीं है, ये आपकी साजिश है पब्लिक परसेप्शन हमारे खिलाफ बनाने के लिए। थोड़ा सा अपने आपके अंदर में शर्म है या नहीं? अब कहां से बात है? आप लोग आप दोनों चीजें करिए। हमारे सर्वहारा का लड़ाई लड़ने वाले आप लोग पूरी अय्याशी करते हो। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हो और आज बता रहे हो कि झूठा है। अय्याशी कौन करता है? कौन ये पता है अय्याशी में वेटिकन सिटी से कितना फंड आता है, विचारधारा सब जानता है। महात्मा गांधी जी का वो अलग विषय है, उस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। उसके लिए एक नया मंच बनाया, उस पर अलग बात करेंगे। आज ये बात है कि जो करंट प्रधानमंत्री है उनके ऊपर इतना बड़ा साजिश रच रही है और आपने मजाक कर प्रधानमंत्री के सुरक्षा का खतरा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी इसमें मेरा एक ही इसमें जो लोग भी तो कि ना बीमा गोरेगांव जैसे हादसे होने चाहिए, ना प्रधानमंत्री के सुरक्षा में खतरा होना चाहिए। सरकार भाजपा की है, क्यों एक्शन नहीं ले जा रहे हैं? क्यों मीडिया में सिर्फ रिपोर्ट आ रहे हैं? क्यों बीमा गोरेगांव की जिम्मेदार को सजा नहीं मिलती जाए? क्यों प्रधानमंत्री के नाम की बात होता रही है? बोलिए आपको आप मैं एक छोटा सा एक इंटरवेंशन कर दूं। बिल्कुल आप बोलिए पहले। सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। और उस हत्या की साजिश के पीछे जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सचमुच चौंकाने वाली, शर्मा रही है। देश को चिंता करनी चाहिए कि राजनीति कहां जा रही है।
अपने देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का अगर खुलासा हो तो उस समय उसमें सबका एक स्वर में यह होना चाहिए, चिंता के विषय है, इसकी पूर्णता गंभीरता से जांच होके इसमें जो जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। स्वर ये होना चाहिए और स्वर क्या क्या निकल रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कहीं सबको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि हम लोग राजनीतिक सत्ता के लिए हम लोग गिरावट की कौन सी सीमाएं पार करेंगे भाई। कोई कहता है कि ये जुमलेबाजी का नतीजा है, कोई कहता है कि साहब रोहन गुप्ता सच में वहां पे संदेह हो रहा है, जांच पे होता तो मेरी उम्मीद थी कि आप पहले लाइन में यही कहते कि राहुल गांधी जी के विषय में आप उसे भी जुमलेबाजी कह दिए, आप उसमें भी संदेह डाल दिए, आप उसमें भी संशय की बात कर रहे हैं और किस तरह ये बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बताया कि दोनों जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जिस प्रकार से भीमा गोरेगांव का और पांच लोगों के ऊपर संजय निरुपम की जो बात करें, पहले जो सुरजेवाला जी का जो बयान था कहां पे, मैं सुरजेवाला जी के बयान का आपत्ति उठाना चाहता हूं, सरकार की जांच पे सुरजेवाला जी के बयान पर भीमा गोरेगांव का मामला और पीएम मोदी की सुरक्षा के मामले को लिंक मत कीजिए। अभी बिल्कुल दोनों की अलग अलग जांच होगी, किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे सवाल होगा तो आप उसे भी सरकार पर ही सवाल उठा दीजिए। खुलासा करा है, लोग भी जिम्मेदारी उनके सामने आए, उसके बाद जांच होगी। लेकिन मोहन जी का आप प्रतिक्रिया देखिए, निष्पक्ष मोहन जी आपको शर्मा नहीं चाहिए, आप इतने संवेदनशील मसले को रोन की गाड़ी आप कैसे आप इस तरह से जाने दे सकते हैं। बिहार गोरेगांव में दो प्रधान आरोपी थे, फिर आप इस तरह की, और अगर आपको ऐसी जांच की बात याद आ रही है तो जांच तक का इंतजार तो करते हैं आप, इसे जुमलेबाजी कैसे बता सकते हैं। क्लीन चिट दे चुके हैं आप, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसे ये बोल सकते हैं। मेरी चीज पहले ही बोला कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर हमले की बात है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो जांच तक मुझे बताइए संजय निरुपम साहब कैसे कह सकते हैं कि मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी अपनी नानी के घर जाते हैं तो ट्वीट करते हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे ट्वीट नहीं हुआ हमसे, पार्टी की तरफ से एक बयान नहीं आया हमसे, होनी चाहिए जांच, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सरकार आपके, आपके, जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है, नेता सरकार निष्पक्ष जांच करे और जिम्मेदार लोगों को सामने लेके आए, सपोर्ट करते हैं। देखिए जिस प्रकार से भीमा गोरेगांव जैसे दंगे हुए हैं इस पे सरकार ने एक्शन नहीं लिया है, दो पांच साल से लेके आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, का लोकसभा चुनाव और उससे पहले एक गठबंधन बनाना, एक तरफ हो जाना, लेकिन क्या ये सिर्फ लाइमलाइट में आने का तरीका है? क्या 2019 में मोदी हटाव साजिश में एक विरोधी गैंग सक्रिय है? सुशील पंडित साहब मुझे बताइए, आपने मुझे सबसे पहले सवाल में यही बताया था, क्या सचमुच नरेंद्र मोदी हेट पॉलिटिक्स का शिकार है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये और ये घृणा की राजनीति जो है इसको पाला पोसा जा रहा है पिछले 17-18 साल से, और ये भयावह घृणा है। मेरे अनुभव में देश में कोई भी राजनीतिक नेता इतनी घृणा के रिसीविंग एंड पे आज तक नहीं रहा, और ये एक बिल्कुल सिलसिलेवार मुसलसल लगातार चलने वाली घृणा है, इसमें कमी नहीं आई बल्कि बढ़ोतरी होती रही है। और हालत ये है कि इसका टेम्परेचर एक कैलिब्रेटेड तौर पर जैसे बिल्कुल संभाल संभाल कर बढ़ाया जा रहा है। आप सोचिए एक आदमी ने सरेआम टेप पर कहा कि वोटी वोटी कर देंगे, उस आदमी को, उस आदमी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं सुशील जी की बात को आगे बढ़ाते हुए अभी एक इंडिया इंटरनेशनल का एक सेमिनार का टॉपिक्स में देख रहा था, मोदी द थ्रेट टू द आइडिया ऑफ इंडिया, बोलने वाले कौन है, मिरवाइज फारूक, यासिन मलिक, सैयद अली शाह गिलानी, सब्यसाची पांडा। तो दयाल साहब मुझे बता दीजिए, क्या ये इस तरह की ट्वीट्स करना चुनाव के पहले, एक तरफ आकर लगातार ये मांग करना कि हमारी जान को खतरा है, वो भी वो लोग जो कभी भारत बर्बादी के नारे लगा रहे थे, मुझे बताइए क्या ये लाइमलाइट में आने का इनका एक तरीका, और है? जो हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं, माओवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, और सीआरपीएफ के लोग जो मारे जाते हैं उस पर जश्न मनाते हैं, क्या ये सस्ती पब्लिसिटी के साथ साथ देखिए माओवादियों का एक तरीका ही है? माओवादियों का अगर कोई राजनीतिक शिकार सबसे बड़ा है तो
तो कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ में एक पूरी जनरेशन पूरा अखबार बचाने की जुगत में लगे हुए आप लोग पढ़ते नहीं है क्या? अखबार भी में उड़ा दी गई। अरे सुनिए तो बताना तो पड़ेगा। मैं आज हमारा सोशल मीडिया के लिए सवाल था कि क्या 2019 में मोदी हटाओ साजिश में कोई विरोधी गैंग सक्रिय है। इस पर दर्शकों ने भी अपनी राय दी है। 90% लोगों ने हाँ में कहा है, 9% लोगों ने जवाब दिया है ना में, और 1% लोगों का कहना है कि वो बता नहीं सकते।